ये फौजदार का पुरवा है। धान यहाँ के ब्रज जीवन यादव जी हैं और पास लो, यहाँ पर एक ब्लैक कोबरा बैठा हुआ है, ये लगभग 2 घंटे से बैठा हुआ है। इन्होंने हमें फोन किया है, हम आए देखिए जो है कैसे आराम से बैठा हुआ है। एक ठन यहाँ दूठ का डबल है, डबल नहीं दूठ है, एक वहाँ से रख दिया हुआ, एक हुआ साइड से रख दिया दूठ। हाँ भाई ये डिब्बा भैया देवे डिब्बा ये ले रहा है, चलो ये नाग है, स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं इसको। अच्छा। इसका साइंटिस्ट नाम है नाजा नाजा, इसमें रबर का है। जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, इसके काटने से मित्रों ज्यादा कुछ तो होता नहीं लेकिन लोगों की जान चली जाती है, इसलिए मित्रों झाड़ फूंक और ओझा गुनी वालों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि झाड़ फूंक वाले आपको कभी भी बचा नहीं सकते, वो फर्जी जो है आपको झाड़ फूंक में उलझाए रहेंगे और जो है मरीज की हालत बिगड़ती जाएगी। थोड़ा जूम कर लगभग इसने शिकार भी किया हुआ है, ये जो है एक बार शिकार करने के बाद एक हफ्ते तक इनको शिकार की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा। और ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन दब जाने के बाद ही मित्रों ये किसी को काटते हैं, अन्यथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे बेजुबान जीवों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति इन्हीं जीवों से है, ये अगर नष्ट हो गए तो एक दिन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इनसे हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करके बहुत से दवाएं और इंजेक्शन बनाते हैं। बड़ा डिब्बा होता तो दोनों आ जाते, आज नहीं दोनों ढक्कन भैया जाने की इच्छा नहीं है क्या? जाओ जाओ कचुलेन है वो तारा पारा रहा है तुम्हारे देखने से झुका हो गया ना। और मित्रों देखते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ठो और मुँह लगाना निकल को वो हुआ साइड का भाग है साइड। अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोगों में से बिस खोपड़ा किसने देखा? हम नहीं देखा। कभी भी देखा है? अच्छा उसमें जहर होता है कि नहीं होता? बिछखोपड़ा नहीं दिखा है, वही बिछखापर, वही बिछखोपड़ा जो है खड़े भाषा में कहते हैं बिछखोपड़ा, ठीक, कहीं कहीं उसको बितनिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, बिछखापर में किसी भी प्रकार का दूर दूर तक बिल्कुल भी जहर नहीं,
लोग घबरा करके मर जाते हैं। एक भी जहर नहीं होता, बिछको पड़ा नहीं। कहते हैं पेशाब से ऐसा कुछ बताते हैं, सब झूठी अफवाहें हैं। अच्छा, वो सड़े गले मांस खाते हैं। अच्छा, जिससे उनके मुंह में इन्फेक्शन का वायरस होता है। अच्छा, जो काटने के बाद जो है इन्फेक्शन फैला सकता है, मतलब कि भदक जैसे जाता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे काटे वहाँ पर जो है साबुन से धुलो, डिटॉल लगा दो, उनको न मारने की जरूरत है ना तो उनमें कहीं कोई भी जहर नहीं। हम लोग इनको पकड़ते हैं, लोगों में डाल करवा करके भी जानकारी देते। महाराज जी ने कहाँ भेज दिया? ये जो है जंगल में जाए। मेरा YouTube चैनल है संजय चौधरी, उसमें आप देखिए पकड़ने वाला प्लस में छोड़ने वाला दोनों वीडियो होता है। एक सूजा देव इसमें थोड़ा छेद करना। हाँ, वो ऑक्सीजन के लिए। एक सूजा मंझला उनको, वो छोटे वाले।